बताइए सुमन जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? आज का जो पत्रकार वार्ता है, इसका उद्देश्य विराट रामनवमी महोत्सव 2022 का आयोजन। विगत कोरोना काल के चलते 2 वर्षों से ये आयोजन नहीं हुआ था। राम भक्तों में बहुत ही मायूसी थी, आपदा काल था, मन भगवान राम की कृपा से इस बार सब सामान्य हुआ है। तो इस बार रामनवमी का जुलूस बहुत ही धूमधाम से भव्य तरीके से निकाला जाएगा। 7 तारीख को हमारे पूजा पंडाल में भगवान की प्रतिमा की स्थापना होगी। 10 और 11 तारीख को नवमी का और दसवीं का भव्य जुलूस का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य आकर्षक जो है वो इलाहाबाद से एक सज्जन आ रहे हैं, जो हनुमान जी का भेष धारण करके सभी राम भक्तों का उत्साह वर्धन करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम हर वर्ष की बात ही जिस तरह आयोजित होते आ रहा है उसी तरह होगा। दिनांक महानवमी के दिन दिनांक 10 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा साक्षी झंडा चौक से संख्या 7:30 बजे प्रारंभ होगी। साक्षी बाजार के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए पूरा पंडाल परिसर में आकर समाप्त होगी। एवं 11 तारीख को रामनवमी का विसर्जन जो शोभा यात्रा है वो निकाला जाएगा। वो दोपहर 3 बजे अपने पूजा पंडाल से प्रारंभ होकर साक्षी के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए द्वारिका घाट पर पहुँच कर समाप्त होगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है कि संख्या 6 बजे तक जुलूस को समाप्ति कर देना है, तो कहीं ना कहीं ये गलती फरमान है और हम इसका विरोध भी करते हैं। जो शोभा यात्रा का समय है वो बाल मंदिर के परिसर से संख्या 7:30 बजे ही निकाला है। खास ऐसा कि बाल मंदिर पिछले 47 साल से पर्व मना रहा है और बाल मंदिर का मुख्य उद्देश्य एक ही बात है कि समाज में भाईचारा रहे। और हम लोग ये जुलूस निकालते हैं राम भक्तों की भावना के अनुरूप और शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 47 साल से हम लोग निकाल रहे हैं और हम लोग का भाईचारा का संदेश देते हैं कि हम लोग मिलजुल के रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की गवर्नमेंट गाइडलाइन पहुँचाने के लिए उसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। गाइडलाइन आप जारी करिए, लेकिन ये गाइडलाइन में कहाँ बनाया गया कि डीजे नहीं बजे। डीजे हम लोग बजाने काम में नहीं करते हैं, हम लोग तो राम जी का भजन बनाने का काम करते हैं। सरकार बोला 100 लोग कहाँ रहे। आज हर चीज चुनाव अभी पंचायत चुनाव होगा जिसमें हजारों लोग भाग लेंगे। ये फरमान इसका कड़ा सबको नहीं देता करते हैं।